वहीं दशपुर के रनपुर में बेलसुंगा सिंचाई परियोजना के लिए किसानों से भूमि अधिग्रहण की गई थी। भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजा दिया जाना था, लेकिन भूमि अधिग्रहण को 12 साल बीत चुके और अभी तक किसानों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। मुआवजे के लिए कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन किसानों को अभी भी मुआवजे का इंतजार है। किसानों का यह भी कहना है कि मुआवजा नहीं मिला तो लोकसभा चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। रनपुर में सरकार की ओर से सिंचाई परियोजना की स्वीकृति ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी थी। सिंचाई परियोजना के लिए सरकार की ओर से किसानों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजा देने का वादा किया था। अधिकांश किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान भी कर दिया गया है, लेकिन आज भी कुछ किसान मुआवजे से वंचित हैं। मुआवजे के लिए किसानों ने कई बार सरकार और प्रशासन को शिकायत भी की है, लेकिन इंतजार के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। हम किसानों का परेशानी ये है कि बेलसुंगा जलाशय की मुख्य नहर छोटा नहर का निर्माण विगत 2007 से नहर निर्माण हो चुकी है और कुदमुरा पंचायत के अंतर्गत जितने भी किसानों के भूमि हक की भूमि में नहर निर्माण हुआ है उसका योजनाबद्ध जो है ना भू अर्जन के तहत हम किसानों को नहर मुआवजा नहीं मिल पाया है। चूँकि इस विषय में हम किसान जनदर्शन ग्राम सुराज लोक सुराज जनप्रतिनिधि सबके पास जो है ना हमने लिखित मौखिक के आवेदन गुहार कर चुका है। मुख्यमंत्री को भी लेटर हम लोग प्रस्तुत कर चुके हैं। चूंकि दुर्भाग्य है कि अब तक हमारी हक की मांगे पूरा नहीं हो पाया है और हम रनपुर में 2007 में बेलसुंगा सिंचाई परियोजना का काम शुरू हुआ था। परियोजना में दो नहरें निकाली गयी जिससे क्षेत्र की 100 एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया गया। सैकड़ों किसानों की भूमि अधिग्रहण की गयी थी। अधिकांश किसानों को मुआवजा मिल गया, लेकिन कुंदमुरा गांव के 72 किसानों को अभी भी मुआवजा नहीं मिला है। पिछले 12 सालों से मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। 12 सालों में सियासत बदली और राजनीतिक नुमाइंदे भी बदले, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। आज से हर अधिकारी कर्मचारी मुख्यमंत्री कलेक्टर जनदर्शन हर जगह हम लोग मौखिक एवं लिखित आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं, किंतु हमारे मुआवजा अभी तक अप्राप्त है। इसके विषय पर हम लोग जब आवेदन प्रस्तुत कर देते हैं तो अधिकारियों के द्वारा प्रशासनिक दबाव दिया जाता है कि तुम लोगों को बंद किया जाए। ध्यान में दिए एसडीएम को दिए, उसके बाद कलेक्टर को, उसके बाद में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री को दी, विष्णु देसाई जो को भी दी, मेरा खुद अपना लेटर पेड में लिख के दी हूँ, लेकिन आज तक हमारे किसानों का मांग पूरी नहीं हुआ है। हम किसान भाई से मैं किसान लोग हम लोग सब पूरा निर्णय कर चुके हैं कि अभी का लोकसभा चुनाव को हम लोग बहिष्कार करेंगे अगर हम लोग का मांगे जल्दी पूरी नहीं होता। मुआवजे की सूची में कुछ बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। सत्ता में रहने के बाद भी नेता ना खुद मुआवजा ले पाए और ना ही किसानों को उनका हक दिला पाए। इस सूची में बीजेपी के पूर्व दिवंगत दिग्गज नेता दिलीप सिंह जुदेव और राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह का नाम भी शामिल है। जब सियासत के इर्द गिर्द घूमने वाले नेताओं की सरकार और प्रशासन ने नहीं सुनी तो किसानों की भला कौन सुनेगा। सरपी इरीगेशन डिपार्टमेंट उनके एसडीओज और हमारे सभी एसडीएम लोगों की भी रखी थी, उसमें हमारे सामने से 10 अलग अलग प्रकरण आए थे कि जिसमें मुआवजा नहीं वितरित किया गया है, उसका प्रकरण नहीं बना है। पिछले कुछ दिनों में उसमें 2 प्रकरणों का मुआवजा बढ़ गया है, बाकी 8-10 प्रकरण और भी बचे हैं। हम लगातार उसको फॉलोअप कर रहे हैं, जहाँ प्रकरण नहीं बना है उसको बना के आगामी, क्योंकि वो समय लगता है, 4-5 महीने में सभी लोगों का मुआवजा सभी प्रकरणों में वितरित किया जाएगा। जिले में नए कलेक्टर के आने के बाद एक बार फिर किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीद जागी है। जिला कलेक्टर ने मुआवजे को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। फिलहाल देखना ये होगा कि किसानों की उम्मीदों को मुआवजा कब तक मिल पाता है। टोडा टीवी के लिए जशपुर से शिव बहरा की रिपोर्ट।